दिल्ली के अशोका होटल में इंटरनेशनल हॉस्पिटलिटी ट्रेवल्स अवार्ड 2018 का आयोजन किया गया और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस और रामदास अठावले शिरकत किए और रामदास अठावले ने अपने संबोधन में मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी सरकार 2019 में फिर से वापस आएगी। अभी हमारी टीम के कैप्टन नरेंद्र मोदी जी हैं, दूसरे अपोजिशन के टीम के कैप्टन राहुल गांधी जी हैं और देखते हैं कि भाई ये मैच कैसे जीतना है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं, मैं भी अच्छा बैट्समैन हूँ और नरेंद्र मोदी जी 200 रन निकालेंगे और बाकी के 100 रन मैं निकालूंगा और 300 रन हम निकालेंगे, बाकी के सब पार्टियाँ थोड़ी बहुत नहीं हो ये काम करेंगे तो ठीक बात है, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ। जो हमारी सरकार है सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है, थोड़ा सभी व्यापारी लोगों को भी जीएसटी के माध्यम से जो तकलीफ है उसको दूर करने की भी कोशिश हो रही है, पेट्रोल डीजल के भाव कम करने का भी काम हो रहा है। अभी जीएसटी में पेट्रोल डीजल आएगा तो कम से कम 20-30 रुपया कम हो सकता है। 2019 में उसी तरह का बहुमत मिलने वाला है ऐसी आप उम्मीद करते हैं जो पहले आपको मिला है? हाँ, मतलब 2014 में जो हमको 282 सीटें बीजेपी को मिली थी, एनडीए को पूरा बहुमत मिला था, अभी हमने मतलब 4.5 साल में और जो अभी 5 साल पूरे हो जाएंगे जब हम इलेक्शन को सामने से जाएंगे, तब नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल में बहुत सारा काम किया है जो कांग्रेस पार्टी ने 60 साल में नहीं किया था। इसलिए हम लोगों के बीच में जाएंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि बीजेपी 300 के ऊपर सीटें जीतेगी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगी और देश में एनडीए की सरकार आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। राफेल डील पर ये बिल्कुल अभी तक कोई ये भी अमाउंट भी नहीं है और बिल्कुल गलत फहमियाँ हैं जो मीडिया में चल रही हैं, तो क्यों नहीं सरकार स्पष्टीकरण देती? मुझे लगता है कि स्पष्टीकरण तो मतलब रविशंकर प्रसाद है या निर्मला सीतारामन है, इन लोगों ने स्पष्टीकरण दे ही दिया है। इसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट ने बताया कि भाई ये डील फ्रांस गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट में हुआ है और इसकी कीमत राफेल की 1600 करोड़ रुपये हमने तय की थी, इसलिए इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है। इसी तरह की जो राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं इसमें मुझे लगता है बिल्कुल तथ्य नहीं है। सरकार ने अपनी भूमिका स्पष्ट रखी है, देश के आर्थिक कल्याण के लिए अमेरिका के साथ दोस्ती रहना बहुत बड़ा जरूरी है, अमेरिका से दुश्मन लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन किसी देश के दबाव में भारत नहीं आना चाहता है और नरेंद्र मोदी जी इतने स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है तो किसी के दबाव में आएगी नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने जो भी कुछ काम किया है दलितों के बारे में, एट्रोसिटी एक्ट का कानून हो, ओबीसी के मतलब कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन देने का विषय हो, बाबा साहब के मेमोरियल के काम पूरे करना हो, या मतलब जीएसटी का कानून हो, नोटबंदी का निर्णय हो, मुद्रा हो, जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो और प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मतलब ऐसे बहुत सारी योजनाएं जो मैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि भाई मैं मतलब नरेंद्र मोदी जी के काम पर जो स्वच्छता अभियान का भी एक बहुत बड़ा स्वच्छता हमारी सेवा ये भी काम बहुत सारा हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24, मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। मेरे साथ इस वक्त बालाजी मीडिया की सीईओ अमनप्रीत कौर जी मौजूद है। अमनप्रीत जी, इतना बड़ा जो कार्यक्रम रखा गया हॉस्पिटैलिटी को लेकर, क्या कहना है इस पे, बालाजी मीडिया का इस पे क्या योगदान था? बालाजी मीडिया प्रेजेंट कर रही है ये 14th एनुअल अवार्ड जो हॉस्पिटैलिटी वाले कर रहे हैं, तो इसको प्रेजेंट किया है। ये जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं सुनीत कालरा जी और रजनी कालरा जी, उनके साथ हम लोग बालाजी मीडिया प्रेजेंट करके हमने ये प्रोग्राम करा है यहाँ पे। मैम, बालाजी मीडिया हमेशा से यंग टैलेंट्स को प्रमोट करता आया है, बहुत से ऐसे
यंग टैलेंट्स हैं जो बालाजी मीडिया से निकल के आज वो सुपरस्टार बन चुके हैं, इसके बारे में क्या कहेंगी? और सबसे बड़ी बात, आकाश के लिए बालाजी मीडिया बहुत ज़्यादा काम करता है, कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है, तो शुरू से ही क्या बालाजी मीडिया ने ये सोचा था कि मैं प्रमोट करूँ यंग टैलेंट्स को, भारत देश को ऐसे नौजवान दूँ? जैसे कि आपको पता है आजकल वेब सीरीज़ का ज़माना है, तो बालाजी मीडिया भी सीरीज़ कर रहा है आगाज़ के नाम से। आगाज़ एक शुरुआत टू फाइट अगेंस्ट कैंसर, इसके अंतर्गत हमने प्रोग्राम किया था मई में, और 15 और 17 मई में ये टालकटोरा में हुआ था। इट वाज ए ह्यूज शो। इसमें ऐसा था कि 5 कंपटीशन हमने करवाए थे, 5 में हमने विनिंग अमाउंट 1,00,000 कैश प्राइज रखा था। ये पहली बार हुआ था कि टालकटोरा में इतना बड़ा स्टेडियम, इतने बड़े कॉम्पिटिशन में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे और 5 कॉम्पिटिशन एक ही स्टेज पर हो रहे थे, और कैश प्राइज आई थिंक अभी तक किसी ने भी आज तक दिया नहीं है। वहीं पे हमने ऑन द स्पॉट जो पार्टिसिपेंट थे, जो विनर्स थे, उनको 1,00,000 कैश प्राइज फर्स्ट को, 50,000 सेकंड को, और 25,000 हमने दिया थर्ड को। और उसके साथ ही बालाजी मीडिया हॉस्पिटैलिटी जो अवार्ड है उसको भी प्रेजेंट कर रहा है आज ये प्रोग्राम जो कालराजी कर रहे हैं, तो इस पर भी हमारी फुल सपोर्ट है उनके साथ। तो बालाजी मीडिया प्रेजेंट करके हम लोग आज का ये 14th एनुअल फंक्शन जो इनका हो रहा है वो कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा, आज बेस्ट प्रोडक्शन हाउस का अवार्ड मिला है बालाजी मीडिया को, इसके बारे में क्या कहेंगे? बस आपने ऑडियंस को और आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि मीडिया ही है जो भी कुछ हो रहा होता है, तो मीडिया ही है जो सब चीज़ें हाईलाइट कर सकता है। अगर लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचती है तो वो आप लोग ही पहुँचाते हो, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें नॉमिनेट किया। यंगस्टर्स को यही बोलना चाहूँगी कि वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म चूज़ करें, अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो उनकी जो शुरुआत होनी चाहिए वो बेस्ट होनी चाहिए। अगर उनमें टैलेंट है तो वो अपने टैलेंट को लेके आगे आएं और अपनी जो हुनर है वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक अच्छे बैनर के तले काम करके फिर दिखाएं।